पिछले एक साल में तुर्की के सीरियल ने भारत में अपनी खास पहचान बनाई है। इन शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और सोनी लीव ऐप पर इन शो को देखा जा सकता है। और तुर्की के कई सारे एक्टर्स इंडिया भी विजिट कर चुके हैं। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि बुराक डेनिस ने इंडिया विजिट किया था और उन्हें यहाँ का खाना खूब पसंद भी आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की टीवी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली टीवी इंडस्ट्री है। और अगर आप भी तुर्की के दिलचस्प कल्चर और शो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए शो और वेब सीरीज को चेकआउट जरूर करें। खास बात तो ये है कि ये सभी के सभी शो हिंदी डब्ड हैं, इसलिए आपको लैंग्वेज से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। नंबर वन, डे ड्रीमर, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। डे ड्रीमर एक रोमांटिक कॉमेडी शो है। इस शो की कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसके बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उसका परिवार उसकी शादी कराना चाहता है। हालांकि वो अपने करियर को काफी इम्पोर्टेंस देती है और एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जॉब करने लगती है। इस लड़की को अपने बॉस से ही प्यार हो जाता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स होने के चलते इस लड़की की जिंदगी में कई तरह के भूचाल देखने को मिलते हैं, जिसे इस शो में कॉमेडी के अंदाज में दिखाया जाता है। और शो को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। नंबर टू, ब्लैक मनी लव, ये एक क्रिमिनल रोमांटिक थ्रिलर शो है और ये शो काफी फास्ट पेस है और तुर्की में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। इस शो का न केवल रेटिंग, स्क्रीन प्ले और डायलॉग शानदार है, बल्कि इस वेब सीरीज का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी ज्यादा फैंस के बीच फेमस है। इस शो की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि अब इस शो को 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। और अगर आप भी रोमांटिक थ्रिलर जॉनर के फैन हैं, तो इस वेब सीरीज पर नजर मार सकते हैं। ये शो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर थ्री, मासूम, इस शो की कहानी के बेस में एक रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी है जो शहर के भागदौड़ से दूर शांति से एक छोटे से गांव में रह रहे होते हैं। हालांकि उनकी शांति जल्दी खत्म हो जाती है जब उन्हें अपने बेटे के बारे में बुरी खबर मिलती है। इस कपल की जिंदगी के बीते दौर की कुछ कहानियां ऐसी है जिनके चलते इन्हें कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है और इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर फोर, कुजे गुने, तुर्की लैंग्वेज में कुजे का मतलब उत्तर दिशा, वही गुने का मतलब दक्षिण दिशा होता है और टाइटल के मुताबिक ये वेब सीरीज के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। कुजे और गुने शो के मेन कैरेक्टर हैं। वो दोनों ही भाई हैं, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग दोनों ही एक दूसरे से एकदम अलग। इस शो में एक शख्स काफी शांत और चिल है, वही दूसरा काफी गर्म दिमाग का। हालांकि ये दोनों की लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। ये एक क्लासिक फैमिली ड्रामा है जिसमें तुर्की इंडस्ट्री के टॉप सितारे भी दिखे हैं। ये शो अपने स्टोरी लाइन के चलते एंड तक दर्शकों को अपने से बांधे रखता है। वुंडेड लव, ये एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा है जिसे अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। ये शो की कहानी का केंद्र लेडी है जिसका हस्बैंड वॉर के लिए गया होता है और वो अपने बच्चे और अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती है। एक औरत को अपने हस्बैंड के बिना अपनी होल फैमिली को कैसे चलाती है, कैसे मैनेज करती है, यही इस शो में दिखाया गया है और इस शो का नाम तुर्की के बेहतरीन शो में शुमार है। नंबर सिक्स, इलाका, ये एक मर्डर मिस्ट्री और एक्शन क्राइम थ्रिलर शो है। इस शो में एक पुलिस ऑफिसर एक बच्चे की मर्डर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती है जिसके चलते वो शहर के सबसे खतरनाक लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसे तुर्की इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन क्राइम थ्रिलर शो में शुमार किया जाता है और इसे आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर सेवन, सवाले इश्क, अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आपको उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शो यूजर्स यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तुर्की के इस रोमांटिक ड्रामे में एक कपल की कहानी को दिखाया गया है जिसमें एक्शन, क्राइम और कॉमेडी का तड़का भी मौजूद है। मेन लीड के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले इस शो को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यही कारण है कि इस शो को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। ये शो चार लोगों की जिंदगी पर बेस्ड है। इनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट तब आती है जब उन्हें एक कार क्रैश का सामना करना पड़ता है। इसके बाद चारों कैरेक्टर के लाइफ के सीक्रेट्स और मिस्ट्री बाहर आने लगते हैं और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर नाइन, आई एम बट्टू, ये शो एक मिनी वेब सीरीज है
इस शो में लीड भूमिका बट्टू की है। हालांकि उसे मेन लीड की जगह छोटे मोटे रोल्स ही मिले हैं और वो किसी तरह अपने एक्टिंग करियर से गुजारा कर पा रहा होता है। हालांकि बट्टू के लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस शो में ह्यूमर कमाल का है और स्क्रीन प्ले भी फैंस को बांधे रखता है और यही कारण है कि इस शो को काफी सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है और इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 10 पोसेस्ड। ये एक हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें न्यूली वेड कपल की कहानी को दिखाया गया है। इस शो का लीड वॉशरूम जाता है और वापस लौटकर नहीं आता और इस शो में आपको कई सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेगा और धीरे धीरे इस शख्स की मौत का राज भी खुलता है। ये शो व्यूअर्स को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और फैंस लगातार आने वाले मोमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं। यही कारण है कि इसे तुर्की का बेहतरीन हॉरर शो में शुमार किया गया है। सो आज की लिस्ट यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, अगर आप में से किसी ने भी इस ड्रामे को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा ऐसा ड्रामा है जो बाकी लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए। इसी के साथ अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।